हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूक टीवी और मैं हूं आपके साथ दर्शना गहतराज। ये खबर आ रही है सीधा बाड़मेर से, जहां पत्रकार दुर्ग सिंह को रंजिश में SC ST एक्ट में फंसाया गया। बाड़मेर के निडर, निर्भीक और सत्य की तह तक जाने की हिम्मत रखने वाले पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को रंजिश में SC ST एक्ट में फंसाया गया है। दुर्ग सिंह राजपुरोहित के मामले में इस आम धारणा को बल मिला है, जिसमें कहा जाता है कि पुलिस, राजनेता, प्रशासन और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति अगर एक साथ मिल जाए तो होनी को अनहोनी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और बहुत ही दुखद की बात है कि बाड़मेर के एक निडर पत्रकार को भी इस मिलीभगत का शिकार होना पड़ा। बता दें कि जो दुर्ग सिंह राजपुरोहित के खिलाफ बिहार के पटना में मारपीट और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज कराया गया है। यही नहीं, इस कथित मामले में शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर राजस्थान की पुलिस ने अपने खर्चे पर सड़क मार्ग से पटना लेकर गई, जहां संबंधित कोर्ट में पेश करने के बाद पत्रकार को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि दुर्ग सिंह राजपुरोहित के खिलाफ पटना के SC ST अदालत में राकेश पासवान नामक व्यक्ति ने मामला SC ST एक्ट और IPC की धारा 406 में दर्ज कराया है। मामले में कोर्ट में प्रसंज्ञान लेते हुए दुर्ग सिंह राजपुरोहित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके तहत उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर पटना भेज दिया गया है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना अति आवश्यक है कि अप्रैल महीने में बाड़मेर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया था, जिसमें पत्रकार दुर्ग सिंह ने खबरों और सोशल मीडिया पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए थे। इससे नाराज होकर उन्होंने पत्रकार को धमकी भरे शब्दों में चेतावनी भी दी थी। चर्चा है कि इसी मामले को हाई प्रोफाइल रूप देकर बिहार में बनाया गया। इस मामले का सबसे बड़ा और विचारणीय मुद्दा है कथित पीड़ित राकेश पासवान द्वारा न्यायालय को दी गई जानकारियां। राकेश पासवान ने न्यायालय में 156(3) के तहत इस्तगासा दायर कराए गए। मामले में दुर्ग सिंह राजपुरोहित को दुर्गेश सिंह और काम गिट्टी व्यवसाय होना बताया गया है, जबकि दुर्ग सिंह राजपुरोहित केवल और केवल शुद्ध पत्रकारिता कर रहे हैं। उनका या उनके परिवार का इस तरह का कोई व्यापार नहीं है। मामले में बताया गया है कि दुर्ग सिंह पटना के पास राकेश पासवान के गांव में उसके घर अपने 3 साथियों के साथ 15 अप्रैल को गए। वहां उससे मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया और जबरन बाड़मेर ले जाने लगे। जब अन्य लोग एक हो गए तो चारों आरोपी अपनी बुलेरो गाड़ी से फरार हो गए। पासवान ने अन्य 3 व्यक्तियों के नाम नहीं बताए हैं। वहीं पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित का कहना है कि वे पटना या उसके आसपास भी नहीं गए। बिहार के समाचार पत्रों में छपी खबरों के मुताबिक राकेश पासवान भी कभी बाड़मेर नहीं आए। बाड़मेर के पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री रह चुके जसवंत सिंह जसौल के पुत्र और शिव विधायक मानवेंद्र सिंह जसौल का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने कहा कि बिहार की मीडिया ने जिस तरह से खबरें फैलाई हैं, उससे यही लगता है कि मामला पूरा झूठा है और बाड़मेर के पत्रकार को फंसाया गया है। मैं पत्रकार दुर्ग सिंह के पक्ष में हूं। मैंने इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय में फोन कर उनसे अपील की है कि मामले में मदद करें और निर्दोष पत्रकार को सम्मान के साथ वापस रिहा किया जाए। सोशल मीडिया में भाजपा नेत्री और UIT चेयरपर्सन डॉक्टर प्रियंका चौधरी को भी इस प्रकरण से जोड़ा जा रहा है, जिसे डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने जाट चैरिटेबल ट्रस्ट में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में उन पर बेवजह की टिप्पणियां की जा रही हैं। पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी को लेकर हमें न्यायालय पर भरोसा है। राजपुरोहित समाज हमसे जो भी मदद चाहेगा हम जरूर करेंगे। दुर्ग सिंह राजपुरोहित और देश प्रदेश से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।